हेलो डी स्टूडेंट ऑफ क्लास 10, दिस इज अनु श्रीवास्तव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ सेक्शन डी, सॉरी सेक्शन सी। सेक्शन सी का क्वेश्चन नंबर डिस्कस करने जा रहा हूँ। ये सेक्शन सी है, क्वेश्चन नंबर 31। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है। अ स्क्वायर डार्ट बोर्ड हैज सेक्शन, ये एक स्क्वायर डार्ट बोर्ड बना हुआ हैज सेक्शन नंबर फ्रॉम 1 to 12। नंबर्स उसमें दिए गए हैं 1 to 12 एज सो बिलो। ठीक है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए आप। प्लेयर्स हैव टू मेक अ प्रिडिक्शन एंड थ्रो अ डार्ट, दे विन इफ देयर डार्ट लैंड्स ऑन द सेक्शन दैट मैचेस देयर प्रिडिक्शन। यानी उन्होंने एक अनुमान लगाया है कि उनका जो डार्ट गिरेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो आर्या यहाँ पे यानी कि 3 स्टूडेंट हैं या जो 3 पर्सन है वो प्रिडिक्शन कर रहे हैं। क्या क्या नाम है उनके? आर्या, वशी एंड कैथी। ठीक है, आर्या एंड वशीर एंड कैथी। आर्या क्या बोल रही है? माई डार्ट विल लैंड ऑन कंपोजिट नंबर। वसीर कहता है माई डार्ट विल लैंड ऑन इवन नंबर। और कैथी कहती है माई डार्ट विल लैंड ऑन फैक्टर ऑफ 12। तो ये पहले तो आपको कंपोजिट, इवन और फैक्टर पता होना चाहिए। तो वह अभी क्वेश्चन वन बाई वन डिस्कस करेंगे। आगे देखिए, कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ देयर प्रेडिक्शन अकरिंग एंड डिटरमाइन हु हैज़ द हाइएस्ट चांसेज ऑफ विनिंग, और किसके जीतने की चांसेस सबसे ज़्यादा। तो जिसकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है, उसी के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिए स्टूडेंट, अब बात यह है, पहले हम यहाँ समझें कि आर्या क्या कह रही है। आर्या बोल रही है यहाँ पे माई डार्ट विल लैंड ऑन कंपोजिट नंबर, ऑन कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर पहले देखें क्या होते हैं। तो कंपोजिट नंबर्स होते हैं विच नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हों। जैसे मैं बात करूँ, शुरू करते हैं 4 से, यानी 4 के फैक्टर देखिए 2 into 2 into 1, यानी 2 से ज़्यादा फैक्टर। जैसे आप कहेंगे सर 2 के भी तो 2 से ज़्यादा, 2 से ज़्यादा कहाँ है, 2 into 1, 1 के फैक्टर तो 1, तो यानी कि ये 2 भी नहीं है। और 3 के देख लीजिए, 3 into 1, 2 से ज़्यादा फैक्टर की बात करूँ, विच नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर, क्लियर। तो यानी कि 4 हो गया, उसके बाद 5 होगा नहीं होगा, 6 होगा, ठीक है, 7 होगा नहीं होगा, उसके बाद 8 होगा, यानी 8 के भी 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। कैसे? 2 into 2 into 2 into 1, बात समझ पा रहे हैं? तो ये हो गए कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर तक बात समझ आ गई। अब हम डार्ट में ढूंढते हैं कि कंपोजिट नंबर है कहाँ कहाँ। ठीक, तो पहले क्या देखिए, बात करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दी हुई हैं। एक तो स्मॉलर सेक्शन बना हुआ है, ये देखिए ये स्मॉलर सेक्शन है और ये लार्ज सेक्शन है। तो पहले स्मॉलर सेक्शन देखते हैं पहले। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ स्मॉलर सेक्शन, तो प्रोबेबिलिटी अगर मुझे निकालनी है स्मॉलर सेक्शन की, तो पहले स्मॉलर सेक्शन देखें क्या होंगे। जैसे डार्ट मैंने लिया, और डार्ट जैसे मान लीजिए एक कैप है, मैंने ऐसे फेंका ये, ठीक है, तो इस तरीके से जो डार्ट ये गिरा है तो इस कंडीशन पे गिर सकता है। ऐसी कंडीशन हो सकती है कि 2 में गिरा हो, 1 पे गिरा हो, या फिर इन दोनों पे लाई करा है। तो टोटल चांसेस कितने हुए देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ तक क्लियर बात, 8 हो गए। अब देखिए, अगर हम एक ऐसा जो लेंगे यहाँ पर, जैसे मान लीजिए डार्ट है वो यहाँ पे भी तो गिर सकता है, बात क्लियर। तो दोनों कंडीशन यानी कि एक इस पे भी होगा, यानी आइदर वाली कंडीशन होगी। तो 1 2, तो यहाँ टोटल काउंट कितने की, 1 2 3 4 5 6 7 8, और ऐसे ये भी 2, यानी कि यहाँ पे भी एक 2 बनने होंगे, यहाँ पे भी 2 बनने होंगे, ऐसे यहाँ पे भी 2 बनने होंगे, ये भी 2 बनने होंगे, और ये भी 2। तो 2 4 जा 1 2 सॉरी यहाँ पे 1 2 और ये वाला 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 जा 16, टोटल कितने हो गए, 16 हो गए, सॉरी ये मतलब जैसे 2 देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और मैंने ये बताया कि डार्ट जब फेंकेंगे तो इन दोनों पे किसी पास, तो 2 चांसेस और हो गए। कहने का मतलब जो यहाँ से प्रोबेबिलिटी बन रही है वो 4 की बन रही है, ऐसे यहाँ पे 4 हो गए 4, तो टोटल कितना हो गया 16, कितना हुआ 16। तो प्रोबेबिलिटी अगर एक एक केवल इसकी देखें, केवल इस पार्ट की, मतलब कोई भी एक पार्ट हो सकता है इनमें से, तो वो क्या हो जाएगी, 1/16। इतनी बात क्लियर है यहाँ तक, आगे देख चलिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ लार्जर सेक्शन, अब लार्जर सेक्शन कौन सा है इसमें, तो लार्जर सेक्शन तो ये है 1 2 3 4, ये लार्जर सेक्शन है। लेकिन ऐसे ही 1 2 3 4, तो जब हम डार्ट को फेंकेंगे यहाँ डालेंगे इस पर, तो हो सकता है यहाँ पे लाई हो सकता है, यहाँ पे गिर सकता है, यहाँ पे गिर सकता है, यहाँ पे गिर सकता है। तो 4 तो है, तो टोटल कितने हो गए, 1 2 3 4 और ये 4, तो टोटल कितने हुए, 1/8।
ये प्रॉबलिटी हो गई लार्जर सेक्शन की। बात क्लियर यहाँ तक। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, प्रॉबलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ कंपोजिट नंबर। अब पहले देखिए कंपोजिट नंबर है क्या। ठीक, तो कंपोजिट नंबर हम देखें अगर यहाँ से, तो इस वाले सेक्शन में देखें तो कंपोजिट नंबर क्या 1 2 है, नहीं मिला। इसमें कौन सा मिला, ये हो गया कंपोजिट नंबर 4। इन दोनों में कंपोजिट नंबर कौन सा है 6। इन दोनों में कंपोजिट नंबर कौन सा 8। इतनी बात के लिए, ये स्मॉलर सेक्शन की बात हुई। तो स्मॉलर सेक्शन में देखें कहाँ का कंपोजिट मिला 1 2 3, तो ये हो गया 3। और इसकी प्रॉबलिटी कितनी है 1/16 प्लस। आप समझिए, अब ऐसे ही यहाँ कंपोजिट देखिए, 9 कंपोजिट है बिल्कुल है, 10 कंपोजिट है बिल्कुल है, 11 है नहीं है, 12 तीन यहाँ कितना बचा 3। तो 3 × और लार्जर की कितनी प्रॉबलिटी है 1/8। इसको सॉल्व कर लीजिए तो 3/16 प्लस 3/8, यहाँ से सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 16, 16 बन जा 16, 3 और 8 2 जा और 2 3 जा 6, यानी कि कितना हो गया 9/16। ये आंसर हो गया जो आर्या का प्रिडिक्शन था उसकी प्रॉबलिटी। देखिए अब प्रिडिक्शन हम किसका देखेंगे, वसीर का। तो वेट कर लीजिए, इसको इरेज कर। देखिए अब वसीर जो है सेकंड, यानी कि जो वसीर कह रहा है, तो उसकी प्रॉबलिटी मतलब जो उसके जो चांसेस है प्रिडिक्शन है उसकी देखते हैं प्रॉबलिटी कैसे निकालेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि माई डार्ट विल लैंड ऑन एन इवन नंबर, यानी इवन नंबर भी गिनना चाहिए। तो इवन नंबर देखते हैं कहाँ कहाँ होंगे। देखिए यहाँ से एक इवन नंबर है, इन दोनों में कौन सा इवन नंबर है, ये इवन नंबर है। इन दोनों में कौन सा नंबर है 6 है, इन दोनों में कौन सा नंबर है, तो ये होगा इवन। तो यहाँ से अगर हम निकालें यहाँ से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन नंबर, तो देखिए इवन नंबर यहाँ से कितने हो गए 1 2 3 4, यानी 4 × 1/16 प्लस। मतलब ये स्मॉलर सेक्शन की बात। अब लार्जर वाले में आ जाइए, तो लार्जर वाले में का क्या होगा, तो देखिए इवन नंबर कौन सा है इसमें, ये 10 है और ये फिर कितना है 12, यानी कि एक ये इवन नंबर हो गया और एक ये हो गया, तो 2 यानी 2 × 1/8। सॉल्व कर लें इसको, 4 4 जा 2 4 जा, तो 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2। यहाँ तक बात क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। ये प्रॉबलिटी नोट कर लीजिएगा, पहली वाली प्रॉबलिटी कितनी आई थी 9/16, यानी जो आर्या का प्रिडिक्शन था। दूसरी कितनी हो गई 1/2, ये बसीर का है अभी, क्योंकि फाइनल आंसर देना है इसका। नेक्स्ट देखिए थर्ड पार्ट, अब हम थर्ड पार्ट बात करते हैं। थर्ड पार्ट कौन है, थर्ड पार्ट इसमें है कैथी। ठीक है, अब कैथी के बारे में बात करते हैं। तो कैथी का प्रिडिक्शन क्या है कि फैक्टर ऑफ 12 मिल जाए। तो सबसे पहले तो आप ध्यान से समझिए कि फैक्टर ऑफ 12 क्या होंगे। देखिए 12 के फैक्टर निकालने के लिए आपने क्लास 3rd 4th में पढ़ा होगा, ये 1 × 12 लिख लीजिए इसको। फिर देखिए कौन सी टेबल में मिलेगा, 2 की टेबल में, वो भी कितने टाइम 6 टाइम। इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ, तो ये कितना हो गया 6। फिर देखिए यहाँ से 3 की पढ़ेंगे, 3 4 जा। अब जब आप आगे चलोगे 12 को कर लिखने 4 3 जा, तो ये वही चीज़ रिपीट हो गई। तो इसको हटा दीजिए कैंसिल, यानी कि वो चीज़ रिपीट ना करें हुआ। तो ये फैक्टर निकालने का तरीका होता था, फैक्टर ऐसे लिखते हैं, यहाँ से शुरू करना है 1 2 3 4 6 और 12। ठीक, इतनी बात समझे। अब ये देखेंगे कहाँ कहाँ लाई करेगा। तो देखिए यहाँ से लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ फैक्टर ऑफ 12, तो 12 के जो फैक्टर्स हैं उनकी प्रॉबलिटी देखने चलते हैं। ठीक है, अब देखिए 1 2 3, तो देखें 1 2 3 कहाँ कहाँ मिलेगा। तो एक तो ये हो गया 1 2 3, और उसके बाद 4, और ये 6, और फिर ये 12। तो पहले स्मॉलर वाले में देखें कि स्मॉलर में कितनी जगह आ रहा है, क्योंकि स्मॉलर की प्रॉबलिटी 1/16 लिख रखा है। तो 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 5 × 1/16 प्लस। इतनी बात यहाँ तक के लिए। अब लार्जर वाले में देखिए क्या चाहिए हमें, 12 फैक्टर चाहिए ना, तो 12 तो केवल यहाँ पे मिला, तो कितना है 1 टाइम। इसको सॉल्व करेंगे 1/16, ये सॉरी यहाँ पे 1/12 नहीं 8 लिखना है, क्योंकि 12 तो यहाँ ये था 1 उसकी प्रॉब्लम, और प्लस 1/8। इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व जब करेंगे तो ये 16 हो गया, ये 5 ऐसे ही रहेगा, और 8 2 जा, तो ये 2, और ये हो गया 7/16। इतनी बात क्लियर। तो प्रॉबलिटी विनिंग की किसकी ज़्यादा है, आर्या की। 9/16 आया था, ये 1/2 आया था, 7/16। वीडियो अच्छा लगा होगा, समझ भी आ गया होगा कि क्वेश्चन क्या, बढ़िया क्वेश्चन था।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस जो प्रैक्टिस सेट के जो वीडियो मतलब वीडियोज़ हैं वो मैं अपलोड कर चुका हूँ सारे क्वेश्चन के, तो वो जरूर देख लें, और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू एवरीवन।